entertainment channel night on a Kazani Marisol production. Zotonono Lam Sugo, Tinini Koktumawa. যত্ন দিবর কাহাম আজ মে এক দুঃখ ভরি কাহিনি শোনানা চাহতা হো মেরে মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর মোহনভোগ মেলাগড় রাজনগর মহারানী মাতারবাড়ি কা তিপ্রাসা কা দুঃখ কি কাহানি দুঃখ কি দাস্তা। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट डिप्राइव है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक डिप्राइव्ड स्टेट है और डिप्राइव्ड स्टेट के अंदर टीटीएडीसी एक डिप्राइव्ड अथॉरिटी है और उसी डिप्राइव्ड टीटीएडीसी तिप्रासा कि अंदर में कुछ कुछ इलाका है, कुछ कुछ जगह का तिप्रासा है, वो लोग और भी ज्यादा डिप्राइव है। डिप्राइव के ऊपर डिप्राइव, डिप्राइव के ऊपर डिप्राइव, और भी ज्यादा डिप्राइव है। उसी एक क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट डिप्राइव, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट डिप्राइव त्रिपुरा से डिप्राइव टीटीएडीसी में से एक उसकी अंदर भी डिप्राइव एक एरिया है। पिछले 70 साल से उस एरिया में से एक एरिया का नाम मिर्जा कठलिया राजापुर मोहनभोग धनपुर राजनगर सोनामुरा काकराबन मातारबाड़ी और महारानी का तिप्रासा लोग का नाम उस एरिया का नाम आता है। दोस्तों, इस बड़ा सा एरिया में कॉन्टिगियसली पूरा तिप्रासा मेजोरिटी एरिया है, लेकिन हम लोगों का एरिया में यहाँ का 1 लाख तिप्रासा के लिए काठलिया मिर्जा राजापुर राजनगर मातारबाड़ी उस एरिया का और शांति बाजार का कुछ पार्ट उस एरिया का 1 लाख तिप्रासा के लिए नहीं एक एसटी मेजोरिटी असेंबली एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ना ही एक एसटी बेल्ट का कंट्रोल ब्लॉक है, ना ही एक हमारा ही एरिया में से कॉन्टिगुअसली एक जोनल है। काठलिया 5 बीसी वो जनरल काठलिया का ब्लॉक में चला गया तो 10 बीसी मोहनभोग जनरल एरिया का ब्लॉक में चला गया, 1 बीसी राजनगर में चला गया तो 1 बीसी तृष्णा विश्वमुख में चला गया, कहीं पे 4-5 गांव है बराती प्रसा का बराबरी जैसा ताइदुम जैसा ऐसा बहुत सारा बीसी है तिप्रासा इलाका है जो जनरल एरिया में ग्राम पंचायत में चला गया हौदराई जैसा। कहीं पे सिलगाटी है वो 5 बीसी काकराबन में डाल दिया गया। तो हर तरीके से हमको उस एरिया का लोगों को सीपीएम का रोल में हम लोगों को इधर उधर थोड़ा 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 करके बांट के हम लोगों का यहाँ का तिप्रासा को डिप्राइव करके पिछले 35 साल से ठंडे दिमाग से हम लोगों को बांट के यहाँ का तिप्रासा लोगों को डिप्राइव करके रखा गया। धौनपुर में 10 विलेज कमिटी आते हैं, जनरल सीट है, उसमें से 10 विलेज कमिटी में आज तक एक ठीक से रास्ता सड़क या कोई डेवलपमेंट का इश्यू हम लोगों को आंखों से नजर नहीं आता। नजर आता है तो आता है तिप्रासा का जगह को कैप्चर करके किसी ने रबर बगान बनाया, किसी ने यहाँ पे 10 जमा के हम लोग का एडीसी एरिया का जगह को दखल करके रखा, यहाँ का एरिया का लोगों को डिप्राइव के ऊपर डिप्राइव करके डरा के धमका के रखा गया, ये नजर में आता है। मानिक सरकार यहाँ से बहुत दिन से चीफ मिनिस्टर था,
बहुत सालों से चीफ मिनिस्टर था, लेकिन डिप्राइव और डिप्राइव के ऊपर डिप्राइव और एक आश्वासन तक हम लोग को नहीं मिला। काकराबन वो भी जनरल भी छोड़ो तो एससी सीट में आते हैं, वहाँ का पास बीसी और पास बीसी के अलावा बहुत सारे गांव है, तिप्रसा गांव उसको जनरल में डाल के रखा गया। और पास बीसी का डिप्राइव इतना ज़्यादा डिप्राइव है कि हम लोगों को उस एरिया का नाम और उस एरिया का जो चेहरा है उसमें कोई हम लोग को मिल नहीं दिखाई देता। छिलगाटी में जाके देखिए, एक गांव का सड़क, एक गांव में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन तुलामुरा में जाके देखिए, गुलमुरा में, सामुकसोरा तैसिकामबोक में जाके देखिए, रानी बुराघाट में जाके देखिए, कुछ भी हम लोगों का इलाका का लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ और उसको एससी सीट में डाल के रखा गया, बांट के रखा गया हम लोग को, ब्लॉक काकराबन में डाल के रखा गया, हम लोग का कोई पावर नहीं है उसमें। लेकिन आप लोग को शायद मालूम नहीं, उसी मिर्जा काठेला राजापुर का काकराबन ब्लॉक एरिया से पांच बीसी में से बहुत सारे ऐसे लोग है जो त्रिपुरा का तिप्रासा का एक नाम होके उभर के आया, त्रिपुरा का नाम रोशन किया, ऐसा बहुत सारा लोग है। जैसे कि दाता मोहन जमातिया सर जो त्रिपुरा का लीगल एडवाइजर है, अभी एडीसी का लीगल एडवाइजर है, वो हमारा पास बीसी में से ही आते हैं, गुलमुरा से। बहुत सारे प्रोफेसर सिलगाती में से आते हैं, डॉक्टर का हम लोग जमातिया वो भी ये पास बीसी में से ही आते हैं, वो जनरल इलाका में से ही, डिप्राइव इलाका में से ही आते हैं, जो कि अभी प्रोफेसर है। और बहुत सारे प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर मणिशंकर मुरा सिंह, अमित मुरा सिंह, वो मिर्जा काठेले राजापुर का राजापुर एरिया से आते हैं, लेकिन उस एरिया को डिप्राइव करके रखा गया 35 साल से। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोगों का यहाँ का तिप्रासा का जो दर्द है वो और भी गहरा है। उस दर्द को हम लोग अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। विधानसभा अलग, ब्लॉक अलग, डिस्ट्रिक्ट अलग, तो जोनल अलग, सब जोनल अलग, तो दूसरा जगह में जाना पड़ता है। हम लोगों को भीख के ऊपर भीख, भीख के ऊपर भीख मांग के यहाँ का एरिया का लोगों को रहना पड़ता है। आप तो भीख मांगना भी हम लोग छोड़ दिया है, पूरा डिप्राइव करके रखा गया है पिछले 35 साल से। और ये ठंडा दिमाग से हम लोगों का लोगों के साथ अन्याय किया गया है पिछले 35 साल से। और उसी चीज को आज मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ महाराजा की उनका मदद से। और मुझे लगता है कि, मुझे विश्वास है कि जब तक महाराजा है, हम लोगों का एरिया का लोगों को न्याय होगा। और उसी न्याय के तहत महारानी इलाका को पिछले, जब से एडीसी बना है तब से महारानी में एक महारानी चेलागांग, एक एडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं और मातारबारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में वो आते हैं, लेकिन उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि जनरल सीट है, क्योंकि उसका ब्लॉक अलग है, ब्लॉक में भी पावर नहीं है तिप्रासा का। जनरल ब्लॉक के अंदर में बीएससी डाल के रखा गया है, अभी भी तिप्रासा ब्लॉक चेयरमैन नहीं है, विप्लव घोष को ब्लॉक चेयरमैन बना के रखा गया। 10 बीसी का जो दायित्व है, यहाँ का जो मातारबारी बीएससी तिप्रासा का बीसी का जो दायित्व है, वो एक नॉन तिप्रासा को बना के रखा गया, विप्लव घोष को। तो उस एरिया में पानी का, स्वास्थ्य का कोई भी सुविधा नहीं, लेकिन महाराजा का नेतृत्व में वहां पे भी हम लोग एक सब जोनल बना दिया। आज आप जाके देखिए, हम लोगों को डिप्राइव करके रखे या ना रखे उसका बात अलग है, हम लोग को पैसा भेजे या ना भेजे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग बात है, लेकिन महाराजा का पावर में, महाराजा का क्षमता में महारानी चेलागांग का मारांडी सब जोनल हम लोगों ने बना के एडीसी ने गिफ्ट दिया, वहां का लोगों के साथ न्याय किया गया। तो इसी तरीके से आज मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, हम लोगों का जो डिमांड, कोर डिमांड है,
और हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार है वो तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ये जो मेलागर, सुनामुरा, काकराबन, राजनगर, मारंडी, उस एरिया के लोगों को जो इधर डिस्ट्रिक्ट, उधर डिस्ट्रिक्ट, उधर ब्लॉक, उधर सब डिविजन, उधर जोनल, उधर सब जोनल करके जो बांट के रखा गया, उसका साथ भी, उस चीज का भी न्याय करेगा बोबाग्रा, और हम लोग को न्याय मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि हम लोगों के संग, हम लोग का जनता के संग जो अन्याय हम लोग को बांट के 35 साल से हम लोग को डिप्राइव किया सीपीएम ने, वो आने वाले दिन में और नहीं होगा। और इसका पूरा कॉन्फिडेंस मेरा अंदर में है बोबाग्रा के ऊपर, और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और उसी कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम लोगों को शायद एक दो दिन के अंदर एक प्यारा सा छोटा सा एक गिफ्ट मिलने वाला है, जिस गिफ्ट बहुत बड़ा, ये जो गिफ्ट छोटा सा गिफ्ट बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है हम लोग का एरिया का 1 लाख तिपरासा के लिए। और आने वाले दिन में हम लोग का जो बांट के रखा गया उसको एक ही जगह में हम लोग को सेंट्रलाइज करने के लिए जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हम लोगों का एरिया का आगे का आने वाले साल में दिन में हम लोगों को जो डेवलपमेंट का जो मूल धारा है, डेवलपमेंट का जो मूल जो स्रोत है, उसके साथ हम लोगों को भी ताल मिला के चलने में आसानी होगा ये डिसीशंस। और मुझे लगता है कि त्रिपुरा एक दिन यूपी, दिल्ली, कर्नाटक जैसा एक सक्षम स्टेट बनेगा, एक डेवलपिंग स्टेट बनेगा। और हम लोगों का जो एडीसी और त्रिपुरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हम लोगों को आने वाले दिन में महाराजा के नेतृत्व में हम लोगों को मिलने जा रहा है, ये कॉन्फिडेंस है। और उसी के साथ ये जो डिप्राइव एरियाज है, मुझे मालूम नहीं और सकते त्रिपुरा में ये सब जगह जो डिप्राइव एरियाज है, और हम लोग का जो डिप्राइव एरिया है उन सबको आने वाले दिन में न्याय मिलेगा। और हम लोगों को भी पूरा त्रिपुरा के साथ शांति बाजार जैसा, बिलोनिया जैसा, आगरतला जैसा शायद ना मिले, लेकिन एटलीस्ट कॉर्बुक, ताकारजला, मंदई जैसा न्याय तो हम लोग को जरूर मिलेगा महाराजा के नेतृत्व में, ये विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ मेरा एरिया का सभी तिपरासा लोगों को थानसा और एकजुट और धैर्य रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ।